बिग बॉस ने कटारिया को निकालने की रची थी साजिश, लेकिन हो गया ऐसा खेल, अचानक अरमान मलिक को घर से किया गया बेघर। अरमान मलिक के अरमानों पर फिर गया पानी, सोशल मीडिया पर आ गई गुस्से की सुनामी। बिग बॉस मेकर्स ने फिर खेला सबसे गंदा खेल। पहले शिवानी और विशाल को घर से बाहर किया गया और एक बार फिर से बिग बॉस ने लव कटारिया को घर से बाहर करने का गंदा खेल खेला है। सवाल ये है कि क्या अरमान मलिक की दूसरी पत्नी कृतिका को बिग बॉस ट्रॉफी देना चाहते हैं? क्योंकि आज बिग बॉस के घर के अंदर जो हुआ पिछले 17 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। सिर्फ लव कटारिया को घर से बाहर करने के लिए बिग बॉस ने इतना ज्यादा गंदा खेल खेला है, लेकिन पहले से गुस्से में बैठी पब्लिक अरमान मलिक पर टूट पड़ी है। कृतिका मलिक, रणवीर शौरी और नेजी को बिग बॉस ने टिकट टू फिनाले दे दिया है, मतलब ये तीनों टॉप 5 में आपको नजर आएंगे। इसके साथ ही घर से बेघर करने के लिए बिग बॉस ने लव कटारिया, सना मकबूल, अरमान मलिक और साई केतन राव को नॉमिनेट किया है। आज बिग बॉस के घर में एक टास्क हुआ जिसे आज आप देख पाएंगे। इस टास्क को बिग बॉस ने बहुत ही चालाकी से डिजाइन किया ताकि अरमान मलिक बच जाए और लव कटारिया बाहर हो जाए। नॉमिनेशन के लिए बिग बॉस ने एक टास्क दिया था जिसमें टीम ए में सना मकबूल, लव कटारिया, साई केतन राव को रखा गया, वहीं टीम बी में कृतिका मलिक, नेची और रणवीर शौरी को रखा गया। जो टीम हारेगी उसे नॉमिनेट होना था। संचालक अरमान मलिक को बनाया गया। बिग बॉस ने साई केतन को सना और कटारिया की टीम में भेजा था और साई ने अपने दोस्तों को बचाने के लिए टास्क करने से ही मना कर दिया, जिसकी वजह से टीम बी जीत गई। अरमान मलिक संचालक था इसलिए उसने अपनी पत्नी को बचाने के लिए भी सपोर्ट किया। फिनाले से पहले सना मकबूल, लव कटारिया, साई केतन और पहले से नॉमिनेटेड अरमान मलिक नॉमिनेट हैं। जिस तरह से अरमान को बचाने के लिए पिछली बार शिवानी और विशाल को निकाला गया, उसके बाद पब्लिक के गुस्से को देखते हुए इस बार अरमान को नॉमिनेट तो किया गया, लेकिन बिग बॉस ने लव कटारिया को निकालने के लिए वोटिंग लाइंस में ही बहुत गंदा खेल खेला है। इस वक्त सबसे ज्यादा लव कटारिया को वोट मिल रहे हैं और उसे बिग बॉस का विनर माना जा रहा है, लेकिन बिग बॉस के मेकर्स ने बिग बॉस के 17 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा किया है। अब इस तस्वीर को देखिए, अभी तक जिस कंटेस्टेंट को आप बचाना चाहते थे उसके ऊपर क्लिक करके उसे वोट देते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। अब इस लाइन को पढ़िए जिसमें लिखा है कि आप किस नॉमिनेटेड सदस्य को घर से बेघर करना चाहते हैं, मतलब आप किसे घर से बाहर भेजना चाहते हैं उसे वोट करना है। क्योंकि सबसे ज्यादा वोटिंग लव कटारिया और सना मकबूल को मिलती है, ऐसे में आधे से ज्यादा वोटर कंफ्यूज हो गए और लव कटारिया और सना मकबूल को ही वोट करने लगे। बिग बॉस की इस चाल का पता फैंस को काफी देर से लगा, लेकिन देर से ही सही, बिग बॉस की इस चाल का पता जैसे ही फैंस को लगा, अरमान मलिक के खिलाफ वोटिंग शुरू हुई। अगर आपने भी अभी तक वोटिंग नहीं की तो ध्यान से करिए और अरमान मलिक को वोटिंग करना इस बार ताकि वो घर से बाहर जाए। कटारिया आर्मी गुस्से से और भी ज्यादा अरमान मलिक के खिलाफ वोट कर रही है। सबसे बड़ा डर इस बात का भी है कि कहीं कटारिया के फैंस उसे ही गलती से सबसे ज्यादा वोट ना कर दे। अगर ऐसा हुआ तो लव कटारिया भी बाहर जा सकते हैं। बिग बॉस को लगता है कि अरमान मलिक ने खरीद लिया है। कृतिका मलिक, साई केतन और नेजी, जिन्हें पहली घर से बाहर जाना चाहिए था, उनको बिग बॉस टॉप 5 में लेकर जा रहे हैं। हालांकि बिग बॉस के वोटिंग फ्रॉड को अगर फैंस समझ गए तो अरमान मलिक और साई केतन राव इविक्ट होने वाले हैं। शो के पहले दिन से ही साई केतन राव, रणवीर शौरी और अरमान मलिक की पूछ बनकर यहां तक पहुंचे। साई केतन को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो शो में अरमान मलिक और रणवीर के सहारे ही चलने के लिए यहां पर आए। न खुद का कोई गेम है, न कोई खुद का फेम है। एपिसोड के एक घंटे में साई केतन मुश्किल से सिर्फ 5 मिनट नजर आते हैं। नेजी का भी यही हाल है। वहीं से शो की जान रहे शिवानी कुमारी और विशाल पांडे को बाहर कर दिया गया। आने वाले एपिसोड में आप देख पाएंगे अरमान मलिक का इवेक्शन। अरमान के घर से बाहर जाने की खबर से फैंस बहुत ज्यादा खुश है। बिग बॉस के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी मीडिया ने खूब अरमान एंड फैमिली की धज्जियां उड़ाई थी। अब टॉप 5 में जो 5 लोग होंगे उसमें लव कटारिया, सना मकबूल, कृतिका मलिक, नेजी और रणवीर शौरी होने वाले। जिस तरह से बिग बॉस के मेकर्स गंदा खेल खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं कृतिका भाभी को ही अनिल कपूर आखिरी वक्त में बिग बॉस की ट्रॉफी न थमा दे। सबसे पहले हर अपडेट को जानने के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें।